दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जानते हैं तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार का फैसला, जिस जमीन पर होगी जिसकी झोपड़ी वो जमीन होगी उसकी। भारत में कोरोना के मरीजों की रीढ़ की हड्डी में फैल रहा नया इन्फेक्शन, डॉक्टरों ने जताई चिंता। 22,500 रुपये का सोलर पैनल सिर्फ 7,500 रुपये में लगवाएं, बाकी सब्सिडी देगी सरकार। राम मंदिर निर्माण में नई परेशानी, नींव खुदाई पे मिली सरयू नदी। सरकार की बड़ी घोषणा, कहा हर बच्चे के अभिभावक को मिलेगा 6 महीने का राशन। इन राज्यों में जनवरी से खुल रहे स्कूल, जानिए क्या है दिशा निर्देश। किसानों से बातचीत के बाद बोले कृषि मंत्री तोमर, 4 में से 2 मुद्दों में बनी सहमति, 4 जनवरी को फिर बैठक। कृषि कानूनों पर पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास हजारों की संख्या में लोग जुटे। किसान के आंदोलन के बीच कल सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे की लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के साथ 4 में से पर्यावरणीय समेत मुद्दों पर सहमति बनी। पराली और बिजली बिल को लेकर किसान संगठनों की मांगें मान ली गई हैं और अब अगले दौर की वार्ता 4 जनवरी की दोपहर 2 बजे बुलाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार ये बात कहती आ रही है कि MSP जारी रहेगी, हम इसी लिखित में देने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन ऐसा महसूस करते हैं कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, इसलिए हम MSP की कानूनी पहलुओं और अन्य मुद्दों पर 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे चर्चा करेंगे। तोमर ने कहा कि किसान ऐसा महसूस करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सुधार किया जाता है तो उन्हें नुकसान होगा। किसान संगठन चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से सिंचाई के लिए किसानों को जो सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाती है वे जारी रहनी चाहिए। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है, दोनों पक्षों के बीच अच्छे माहौल से बातें हुई। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ उसके बाद BJP डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। तभी तो बिहार की डिप्टी CM ने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार NDA के गार्जियन हैं और गार्जियन भला घर कैसे छोड़ सकता है। चुनाव परिणाम के बाद NDA के दोनों घटक दल BJP और JDU में बड़ा फर्क देखने को मिला। हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली JDU छोटे भाई की भूमिका में आ गई और BJP बड़े भाई की। JDU को उम्मीद से काफ़ी कम सीटें आई, जिसका असर मंत्रिमंडल में भी देखने को मिला। BJP ने राज्य में 2 डिप्टी CM नियुक्त कर दिए, साथ ही नीतीश कुमार के करीबी रहे सुशील कुमार मोदी को भी दिल्ली शिफ्ट करवा दी। लेकिन जैसे ही अरुणाचल की खबर सामने आई, BJP बैंक फुट पे चली गई, क्योंकि अरुणाचल की घटना गठबंधन धर्म का सीधा सीधा उल्लंघन थी। JDU के नेता ने अरुणाचल की घटना पर कड़ी टिप्पणियाँ दी। इन सबके बीच RJD के नेता ने आग में घी डालने का काम कर दिया। हालांकि RJD के तरफ से जो ऑफर की बात कही जा रही थी और जो JDU के टूटने की बात श्याम रजक कह रहे हैं, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दे दिया है। RJD किसी भी प्रकार का दावा कर रहा है यह बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की इस मुस्कुराहट के पीछे की राजनीति आपको समझाते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार बैकफुट पे थे, बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनना। तो वही पार्टी की सीटों कमाने के बाद मंत्रिमंडल में JDU के सीटों की संख्या भी कम हो जाएगी। पार्टी से लेकर सरकार तक वे दबाव झेल रहे नीतीश कुमार को अरुणाचल के मुद्दे ने मौका दे दिया और RCP सिंह को JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने ही तीर से कई शिकार किए। हालांकि BJP की तरफ से अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने जो बयान दिया, इसका मतलब यही है कि नीतीश कुमार जो प्रसरण पॉलिटिक्स कर रहे थे उसमें वो सफल हो गए हैं।
तभी तो रेणु देवी कह रही हैं कि नीतीश कुमार गार्जियन हैं और गार्जियन घर नहीं छोड़ता। लेकिन बिहार की जो सियासत पिछले कुछ दिनों में चल रही है उससे तो यही लगता है कि फ़र्क नीतीश कुमार को नहीं पड़ रहा। लेकिन जेडीयू पर तो दबाव काफ़ी था। हालांकि इस सियासी उठापटक में आरजेडी सिर्फ देख नहीं रही तो दूर से इसकी चिंगारी को आग बनाने की कोशिश भी कर रही है। भारत में कोरोना के मरीजों की रीढ़ की हड्डी में फैल रहा नया इन्फेक्शन, डॉक्टरों ने जताई चिंता। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। भारत में भी इस संक्रमण से करोड़ों लोग संक्रमित हुए हैं। इस संक्रमण से ज़्यादातर मरीजों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं। कोविड-19 से ठीक हुए इन मरीजों को सही तरीके से सांस ना ले पाना, बदन टूटना, बुखार आना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मुंबई के डॉक्टर से पता चला कि कोरोना वायरस से संक्रमित कुछ बुजुर्गों में एक नए प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिला। ज़्यादातर बुजुर्ग मरीजों की रीढ़ की हड्डी में ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित 6 बुजुर्ग मरीजों को भर्ती किया गया है। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी में तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टरों द्वारा जांच करने पर पता चला कि ये वायरस रीढ़ की हड्डी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। पूरी जांच प्रक्रिया का पालन करने के बाद इन सभी मरीजों का 4 हफ्ते तक इलाज किया गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, जिस जगह पर होगी जिसकी झोपड़ी वो जमीन होगी उसकी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों से कहा कि जिस जमीन पर किसी गरीब की झोपड़ी है वह उसके नाम होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर ऐसी जमीन रिजर्व श्रेणी की नहीं है, उसे लेकर कोई विवाद नहीं है, तो झोपड़ी की जमीन से संबंधित के नाम करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाएं। कुछ जिलों की जरूरत के अनुसार गरीबों की आवास क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के शासन की सभी योजनाओं संतर्पित करने के लिए यह अभियान चलाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा घोषणा, कहा बच्चों के अभिभावकों को मिलेगा 6 महीने का राशन। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग यहां पर बच्चों के मिड डे मील ड्राई राशन विस्तृत करने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले 9 महीने बहुत मुश्किल से गुजरे हैं और अब यह मुश्किलें कब खत्म होगी इसकी उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। राज्यों ने कोरोना के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने निर्णय लिया कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश को मानते हुए राज्य के स्कूलों को 1 जनवरी से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान 10वीं से 12वीं के छात्रों को अनुमति होगी। असम सरकार ने भी 1 जनवरी से स्कूल खोलने का निर्णय लिया जो कोरोना संक्रमण के कारण बंद थे। गौतम गंभीर की रसोई में कैसे मिल रहा है 1 रुपये में भरपेट खाना, दिल्ली में कहां कहां खाए जा सकते हैं। जी हां, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने जन रसोई भोजनालय की शुरुआत की है, जिसमें उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में ज़रूरतमंद लोगों को महज 1 रुपये में दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। हालांकि आलम यह है कि जन रसोई पर खाना खाने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। सबसे पहले गांधीनगर में भोजनालय की शुरुआत की गई है। वहीं अब गणतंत्र दिवस पर अशोक नगर में भी ऐसा ही भोजनालय खोले जाने की उम्मीद है। 24 दिसंबर को गौतम गंभीर की ओर से जन रसोई की शुरुआत की गई थी। इस रसोई में ज़रूरतमंद को सिर्फ 1 रुपये में दोपहर का खाना परोसा जा रहा है। वहीं इस जन रसोई में दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच लोगों को सबसे पहले खाने का टोकन बांटा जाता है। इसके बाद 50-50 की संख्या में जन रसोई के अंदर आकर लोग खाना खा सकते हैं। बिहार सरकार ने 4 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक सरकारी एवं निजी स्कूलों को खोलने का आदेश जारी किया, लेकिन इस दौरान कोरोना के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। शिक्षक एवं बच्चों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा, साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। राम मंदिर निर्माण में नई परेशानी, नींव खुदाई में निकली सरयू नदी।
जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में एक नई परेशानी आ रही है। सूत्रों ने बताया कि मंदिर के नींव के नीचे सरयू नदी की धारा मिली है, जिसकी वजह से निर्माण कार्य मुश्किल में आ सकता है। इस मामले को लेकर निर्माण कमेटी ने अपनी चर्चा की। ट्रस्ट ने ITI से मंदिर की मजबूत नींव के निर्माण के लिए मदद मांगी है। गौरतलब है कि मंदिर का निर्माण 2023 में पूरा होना है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल समिति दो तरीकों पर गौर कर रही है। पहला, राफ्ट को सहायता देने के लिए वाइब्रो पत्थर का इस्तेमाल, और दूसरा, इंजीनियरिंग मिश्रण मिलाकर मिट्टी के क्वालिटी और पकड़ को बेहतर बनाया।